नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। दोस्तों, एक महीने के लिए मैं अपने घर गई थी। बहुत से पौधों में एक महीने पानी नहीं पड़ा, तो मैं बड़े एक्सपीरियंस से 7 ऐसे पौधे आज बता रही हूँ जो आप 20, 25, 30 दिन पानी नहीं डालेंगे या उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो मरेंगे नहीं या सूखेंगे नहीं, वो वैसे ही आपके पास बने रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्लांट होगा यूफोर्बिया ग्रैंटी या अफ्रीकन मिल्क बुश का। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है दोस्तों, बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। ये 6-7 साल से है मेरे पास। जो इसका मदर प्लांट है वो इस समय 5 फीट से ऊपर का हो गया था, उसी की कटिंग ला के मैंने यहाँ लगाई हुई है। और ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो ये अगर आप इसको सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे तो इसकी पत्तियाँ इस तरह के पिंक कलर की हो जाती हैं। जब सीधी धूप इन पर नहीं पड़ती है तो इनकी पत्तियाँ पिंक हो जाती हैं। अगर आप इन्हें धूप में रखेंगे तो इनकी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं। इसीलिए देखिए, पत्तियों के नीचे का हिस्सा पिंक कलर का है और पत्तियों के ऊपर का हिस्सा ग्रीन कलर का है। तो जहाँ धूप लग रही है पत्तियों को वो ग्रीन हो जाती हैं, वैसे ही पिंक कलर की रहती हैं। और चिकनी चमकती हुई पिंक कलर की पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, ग्रीन कलर की पत्तियाँ भी इसकी बहुत खूबसूरत लगती हैं। इनको दोस्तों ये देखिए, एक पत्ती तोड़ने पे कितना सारा वाइट लिक्विड बह रहा है। असल में इन पौधों के तनों में, पत्तियों में ये लिक्विड होता है जो ये स्टोर करके रखते हैं, और जब इन्हें पानी नहीं मिलता है बहुत दिनों तक तो इसी लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं ये ज़िंदा बने रहने के लिए या सर्वाइव करने के लिए। तो आप बहुत दिन तक अगर पानी नहीं दे पाते या लापरवाही कर जाते तो भी ये पौधे इसी तरह आपके पास बने रहेंगे। ये है मेरा वो मदर प्लांट जिसमें से मैंने वो कटिंग्स ली थी, और ये देखिए बहुत बड़ा हो गया था ये प्लांट। ये कितना हार्डी प्लांट होता है, ये लगभग 6 साल से ऊपर हो रहा है इसमें लगे हुए। ये आप ये देख के जान सकते हैं कि इसको मैंने एक पॉली बैग में लगाया था। जिस पॉली बैग में इसे शुरू में लगाया था तब से ये उसी में पड़ा हुआ है, और अब ये इतना सड़ चुका है कि ये छूने से भी फटने लगता है। तो अब इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा, अब इसको मैंने कभी भी रिपोर्ट नहीं किया, इतना कवर कर चुकी है मिट्टी को, तो इसकी मिट्टी भी नहीं बहती है दोस्तों। तो बहुत हार्डी प्लांट है और बड़ा अच्छा प्लांट है। बहुत लापरवाही करेंगे तो भी ये आपके पास बना रहेगा और बहुत खूबसूरत भी लगेगा दोस्तों में। तो ये प्लांट ज़रूर रखिए अपने घर में। हमारा दूसरा प्लांट होगा दोस्तों अगेव का प्लांट। ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है और ये प्लांट भी बहुत हार्डी होता है दोस्तों। इसको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती, पत्तियाँ थोड़ी सी कटीली होती, पत्तियों के टिप पे जैसे लगता कांटा लगा हुआ है, और सिर्फ ये पत्तियाँ होती हैं लेकिन देखने में बहुत प्यारा लगता है। इसका प्रोपोगेशन दोस्तों ये अपने आप ही नए पौधे बनाता रहता है, नए नए पौधे नीचे जड़ों से निकलते रहते हैं, तो ये अपने आप को खुद ही प्रोपोगेट करता रहता है। तो ये पौधा बहुत दिन तक बिना पानी के रह सकता है। मैं वैसे भी इसमें 10-15 दिन पर ही पानी डालती हूँ। अगर आप 20-25 दिन, एक महीने भी इसमें पानी नहीं डालेंगे तो भी ये सूखेगा नहीं, हरा भरा ऐसा ही बना रहेगा। और दोस्तों, ये अगर आप बड़े गमले में रखेंगे तो ये बहुत बड़ा प्लांट होता है, सुंदर भी लगता है, बहुत जगह भी लेता है। अगर आप छोटे कंटेनर में इसको रखेंगे तो ये छोटा सा रखता है। तो जैसा भी आप कंटेनर लेंगे ये उसी तरीके से ग्रो करेगा और उसी तरीके से देखने में लगेगा। तो मैं इसे ज़्यादातर छोटे छोटे कंटेनर्स में रखती हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास इतना स्पेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो मैं बाकी पौधे फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन ये आप अपने घर में रखिए, बस इतना ध्यान रखिए कि ये धूप में या ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट में रखने वाला पौधा है, ये इंडोर्स में नहीं चलता है। तो जब भी इसको छोड़ के जाएँ अपने घर पर या ऐसी जगह रखिए जहाँ ब्राइट सनलाइट, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट भी मिलती हो तो भी ये अच्छे से चल जाएगा दोस्तों। और हमारा अगला प्लांट होगा दोस्तों यूफोर्बिया मिली या क्राउन ऑफ थॉर्न्स का। ये प्लांट, ढेर सारे कांटे होते हैं इसमें, पर ये बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट होने वाला पौधा है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से प्रोपोगेट होता है। छोटी छोटी कटिंग इसकी आपको 3-4 इंच की कटिंग मिल जाएगी, उसको लगाइए, बड़े आसानी से लग जाता है। और इसमें ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं, खासकर गर्मियों में, इसमें अप्रैल मई जून में बहुत फ्लावर्स रहते हैं। इसमें पिंक कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं और बड़े फ्लावर्स होते हैं इसके, छोटे बड़े हर तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एक बार फ्लावर्स आते हैं तो वो दो महीने, 3-3 महीने तक वैसे ही लगे रहते हैं। और बहुत हार्डी प्लांट है, पानी की कमी से ये जल्दी नहीं सूखता है दोस्तों।
इसको भी हम छोड़ के गए थे, एक महीने पानी नहीं पड़ा था। ये भी हमारे बैक यार्ड में था, बैक यार्ड में जितने पौधे थे उन्हें पानी नहीं मिला था, फिर भी वो अच्छी तरह सर्वाइव कर रहे थे। कुछ की पत्तियाँ कुछ सूख गई थी, कुछ की डालें कुछ सूख गई थी, पर वो ठीक ठाक बच गए। तो मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये पौधे आपको पानी नहीं दे पाएंगे तो भी ये पौधे आसानी से ग्रो हो जाएंगे और आपके घर में बने रहेंगे। तो हमारा अगला प्लांट होगा दोस्तों डेविल्स बैकबोन। ये इतना सुंदर लगता है देखने में, इतना हार्डी प्लांट है दोस्तों कि इसको आप कहीं भी एक कप में लगा दीजिए, इसको आप छोटी सी बॉटल में लगा दीजिए, इसको आप बड़े प्लांटर में लगा दीजिए, किसी बॉक्स में, पॉली बैग, कहीं पर भी लगा दीजिए। ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत ही तेज़ी से ग्रो करता है, कोई केयर नहीं। मैं जितने भी पौधे दोस्तों बता रही हूँ, मैं किसी में किसी तरह की कोई खाद नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए, इसकी पत्तियाँ इसमें थोड़ी पतली और छोटी हैं, और बड़ी पत्तियाँ होती हैं इसकी, और ये पतली और छोटी इसलिए हैं क्योंकि इसका प्लांटर बहुत छोटा है। एक 2 लीटर की बॉटल को आधा मैंने कट किया था, उसी में लगाया हुआ है। तो सोच लीजिए इतनी सी बॉटल में ये कितनी अच्छे से ग्रो किया हुआ, कितनी सारी स्टेम्स इसकी निकली हुई। ये भी मेरे बैक यार्ड में पड़ा हुआ प्लांट है और ये बड़े पेड़ के नीचे था, तो ये पूरी तरह धूप में नहीं था, पर इसे आप धूप में भी रख सकते हैं और सेमी शेडेड एरिया में भी रख सकते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियाँ ये देखिए, वेरीगेटेड पत्तियाँ बहुत प्यारी लगती हैं देखने में। बहुत ही सुंदर प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये जल्दी आपके घर से जाएगा नहीं। इसमें भी देखिए ये वाइट लिक्विड होता है जिसके कारण ये जल्दी सूखता नहीं है। और अगला प्लांट है दोस्तों हमारा एडेनियम डेजर्ट रोज़ प्लांट। ये भी अब बहुत कॉमन हो गया है, बहुत लोग लगाते हैं इसको। ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है प्लांट, और ये दोस्तों इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर फ्लावर्स नहीं भी आ रहे हो तो भी ये प्लांट देखने में बहुत सुंदर लगता है। और चूंकि ये डेजर्ट का प्लांट है, रेगिस्तान का प्लांट है, तो ये हार्डी भी बहुत होता है। ये ज़्यादा पानी अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो ये सूखता है, अगर आप कम पानी देते हैं तो उसमें ये नहीं सूखता है। ये पौधा भी, ये वाला पौधा, मेरे पास इस तरीके के 2 पौधे हैं। ये वाला प्लांट बैक यार्ड में था, हम लोगों को बहुत इमरजेंसी में जाना पड़ा था रात में, तो ये भी बैक यार्ड में था, धूप में था। इसके ये इस तरह डालें थोड़ी सी लटक गई थी सारी डालें, कुछ पत्तियाँ सूख के गिर गई थी, पर देखिए 10-15 दिन में ये बिल्कुल फिर से हरा भरा और खूबसूरत हो गया। तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है ये प्लांट, बहुत अच्छे से ग्रो होता है और इसकी कोई बहुत ज़्यादा सेवा नहीं करनी पड़ती। हाँ, अगर इसमें खूब ढेर सारे फ्लावर्स चाहिए तो इसमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, वरना ये पत्तियाँ ही देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो मेरे पास इस तरह के 2 प्लांट्स हैं, एक ये है, इसमें इस समय फ्लावर्स नहीं आए हुए हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी नहीं पड़ा था तो ये थोड़ा सा मुरझा गया था। और दूसरा प्लांट ये है मेरा, ये पोर्च के नीचे था तो इसमें पानी पड़ रहा था। ये देखिए कितने प्यारे फूल आते हैं इसमें, बहुत खूबसूरत प्लांट है दोस्तों ये। और हमारा अगला प्लांट है दोस्तों स्नेक प्लांट। ये भी, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है। ये भी सिर्फ ओवर वाटरिंग से ही मरता है, कम पानी देने से ये प्लांट नहीं मरता। इसको अगर आप मिट्टी के गमलों में लगाएंगे, मैं हमेशा कहती हूँ जो प्लांट कम पानी चाहते हैं या ओवर वाटरिंग से ज़्यादा खतरा होता है उनको, उनको हमेशा ये मिट्टी के गमलों में रखना चाहिए। इस ये पानी को बहुत ज़्यादा होता है तो ये थोड़ा अब्जॉर्ब भी कर लेता है, इसमें पानी सूखता भी जल्दी है। अब प्लास्टिक के गमलों में बहुत जल्दी पौधे सड़ने लगते हैं। तो ये देखिए इतने दिन छोड़ने के बाद इस पौधे की इस तरीके से पत्तियों की टिप सूखने लगी थी, और बिल्कुल इनडोर्स में था, बिल्कुल कोई लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, तो पत्तियों के कलर जो नए निकले हैं वो बहुत लाइट कलर के हो गए हैं और ये टिप पीली पड़ गई है। तो बस इतना ही नुकसान हुआ है दोस्तों, ये देखिए कुछ पत्तियों की टिप पीली पड़ गई है, इतना ही नुकसान हुआ है। सोचिए 1 महीने इस प्लांट को कोई रोशनी नहीं मिली, कोई पानी नहीं मिला, और फिर भी ये इस तरीके का है। तो ये सोचिए कितना हार्डी प्लांट है कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है, कम पानी भी, रोशनी भी ना हो वो भी बर्दाश्त कर जाता है, धूप ना मिले वो भी बर्दाश्त कर जाता है, 1 महीने या अंधेरे में ऐसे ही पड़ा रहा। इसी में ये देखिए दूसरा प्लांट है इसमें का मेरा, और इसमें ये येलो कलर के ये देखिए बॉर्डर्स हैं हर पत्ती में। ये प्लांट मेरा हालांकि बाहर था,
इसमें पानी भी मिला था, लेकिन मैं वैरायटी के तौर पे बता रही हूँ। मेरे पास इस तरीके के दो प्लांट हैं, सब बहुत हार्डी प्लांट होते हैं दोस्तों। अगला प्लांट है हमारा डेफनबाकिया का प्लांट, ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। इसे आप अगर इंडोर्स में रखते हैं तो भी ये अच्छे से ग्रो करता है। बस इसको ये होता है हफ्ते 10 दिन में इसको सेमी, ये नहीं, जैसे कोई भी पौधा आपने इंडोर्स में रखा है तो उसको डायरेक्ट सनलाइट में कभी मत ले जाइए, सेमी शेडेड एरिया में रखिए, फिर धूप दिखाइए, और नहीं तो वहीं से फिर घर के अंदर ले आइए। अंधेरे में रखा हुआ पौधा अगर आप सीधे धूप में ले जाएंगे तो वो निश्चित ही सूख जाएगा, क्योंकि फिर वो शॉक में आ जाता है या उसको सर्वाइव करने में टाइम लग जाएगा। अब ये भी हरा भरा है, इसको भी एक महीना पानी नहीं मिला था। ये भी हमारा बैकयार्ड में पड़ा हुआ था प्लांट, पर ये भी उसी तरह हरा भरा रहा। ये है, पत्तियाँ थोड़ी सी लटक गई थी, थोड़ी सिकुड़ गई थी, लग रहा था कि हाँ प्लांट मुसीबत में है, पर ये अच्छे से सर्वाइव कर गया। दो प्लांट है इसमें लगे हुए और दोनों प्लांट अच्छे से चल रहे थे। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, ये तने से लगता है, जो इसका स्टेम होता है उससे लगता है। इसमें जो नोड होते हैं उसमें हर नोड पे एक प्लांट होता है, तो 2-3-4 नोड काट के आप गमले में लगा दीजिए तो ये आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है, ग्रो कर जाता है। बहुत हार्डी प्लांट है, ये भी ओवर वाटरिंग से मरता है, इसलिए इसको कम से कम पानी दीजिए, ये बहुत हरा भरा रहेगा आपके घर में। तो दोस्तों, अपने घर में पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए, आप लेज़ी गार्डनर हैं तो और पौधों पे ध्यान नहीं दे पाते तो।